हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और ममता तिवारी यूट्यूब ब्लॉगर चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी हम छत पे आ गए हैं। आज बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में। आज क्या, कल ही से बारिश हो रही है, निकल नहीं है। सारा दिन थोड़ा थोड़ा सा बारिश होती ही रहती है, एक दो बूंदें पड़ती ही रहती हैं। बहुत बारिश हो गई दो दिन से। थोड़ा सा गर्मी भी कम हो गई है दिल्ली में, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे थोड़ा ठंडा मौसम आ ही जाएगा अगले महीने से, थोड़ा बहुत कुछ तो कम हो जाएगी गर्मी। देखिए कैसा होता है मौसम। और आप लोग बताना कमेंट में कैसे हो। देखिए चिड़िया आवाज़ कर रही हैं, सब बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बारिश हुई है तो पूरे छत पे पानी पानी है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ भी देखिए देखते हैं, धूप हो जाएगी, थोड़ा कपड़ा डालेंगे सूखने के लिए। देखते हैं ये वीडियो कब जाता है आप लोग के पास। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब हम चल रहे हैं खाना बनाने। खाने में आज हम सेव वाली जो यानी बूंदिया वाली जो सब्ज़ी होती है वही बनाएंगे। आशा करते हैं आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। या नहीं बात कर पाएंगे लेकिन रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। आज तो दिल्ली में बारिश हो गई है, सारा दिन बारिश हो रही है सुबह से शाम तक। चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये देखिए हमने बेसन को अच्छे से थोड़ा सा कड़क घोल नहीं बनाया है, समझ लीजिए इसको उसे फेंट के रख दिया है। जैसे आप पकौड़ी वगैरह के लिए बनाते हो, कढ़ी के लिए या सेव के लिए। तो हमने इसमें नमक ऐड किया था और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा चौथाई चम्मच गरम मसाला, नमक सारा ऐड कर लिया है। उसके बाद इसको हम 10-5 मिनट पहले रख दिए थे, अच्छे से फूल गया है। इधर हमने मसाला लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये हमारा लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज, इसमें सारा चीज़ हमने पीस के तैयार कर लिया है। इधर दो बड़ा साइज टमाटर भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। इधर हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ये देखिए इधर हमारा ऑयल गरम हो गया। ये देखिए छन्ना ले लिए हैं जिससे पूड़ी वगैरह छानते हैं। आपके पास अगर मशीन हो तो आप उससे भी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे दबा के ऐसे रगड़ देंगे तो ये नीचे देखिए ये देखिए इसी टाइप में निकल आता है, पूरा सेव के जैसे तैयार हो जाता है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए आपको इसको लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। ये देखिए आपको जैसे आप पकौड़ी के लिए बनाते हो, पकौड़ी में ऐड करने के लिए कढ़ी में बनाते हो, सेम उसी टाइप में इसको भी पकाना है, यानी गोल्डन हल्का सा। ये देखिए इसको बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसी टाइप में बन के रेडी हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे सारे, इसी टाइप में हम सारे सेव बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सारे सेव को निकाल लिया है छान के।
इधर हमने ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद प्याज को। ये देखिए जीरा हमारा चटक गया था, तब हम प्याज ऐड कर दिए हैं। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला ऐड कर। मसाले को हमने थोड़ा पानी से घोल बना के तैयार कर लिया है। देखिए प्याज हमारी पक चुकी है, इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। एक से दो मिनट हो गया है मसाला ऐड किए, अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। अच्छे से सारा पक जाएगा। तीन से चार मिनट तक हम इसको मसाले को अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए मसाला हमारा पक के, ये देखिए मसाला अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा ग्रेवी बनाना पड़ेगा इसको। ये देखिए, देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसी में हम सेव को भी ऐड कर देंगे। ये देखिए सेव भी ऐड कर दिया है। अब इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे खूब अच्छी तरह से। नमक ऐड कर देंगे इसमें हम, उसके बाद इसको ढक देंगे। ये देखिए ये हाई फ्लेम पे उबल रहा है, अब इसको हम लो फ्लेम पे करके पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, पक के रेडी हो जाएगा, तब आपको हम दिखाते हैं। देखिए सेव की सब्जी बनके रेडी हो गई है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको चावल रोटी जिसके साथ भी आपको पसंद है खा सकते हो। आप लोग बताना कमेंट में कि कैसे लगी आपको ये सब्जी। देखिए खाना रेडी हो गया है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।